डेफिनेशन के तौर पे समझना चाहती हूँ कि क्या है वुमेन एम्पावरमेंट. क्या देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब होता है व्हेन अ वुमन डज नॉट फील एम्प्टी और वीक फ्रॉम विद इन. ओके, शी हैज टू फील कि अगर उसे खुद से रहना हो, खुद से कुछ करना हो, वो कर सकती है. उसे बाहर निकल के जाना हो, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना हो, उसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी है, उसे बैंक का अकाउंट खुलवाना है, उसे एक हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना है, अपने बच्चे को खुद पढ़ाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जब ये सारी चीजें आ जाती है ना, तो वुमेन एम्पावर्ड है. तो अनु, कुछ दिमाग में है कि मुझे जाके अब जब मैं बन जाऊंगी ब्यूरोक्रेट तो मुझे कुछ इस चीज के लिए कुछ काम करना है, कोई कोई मुद्दा? देखो हाँ यार, सबको पता ही होगा हमारे देश में आजकल जो हो रहे हैं गंदे से गंदे क्राइम्स अगेंस्ट लिटिल गर्ल्स, लिटिल चिल्ड्रन एंड वेमेन, वो इतना ग्रूसम है कि हमारी आत्मा कांप जाती है सुन के भी. एंड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वी आर लिसनिंग टू सच न्यूज. तो वो एक थॉट है जो मेरे मन में, इवन बिफोर आई एवर थॉट ऑफ जॉइनिंग यूबीएससी और बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, तब भी मेरे माइंड में आता था कुछ हो सके ना तो इन बच्चों के लिए कर लो यार. तो आई यूज टू ऑलवेज टॉक टू माई कॉलीग्स इन ऑफिस कि बच्चों की सेफ्टी के लिए एज अ पेरेंट तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए तुम्हें ये करना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए. तो मैं लंच टाइम में हमारा डिस्कशन होता था ना, मैं भिड़ जाती थी अपने कॉलीग से भी ऐसे होना चाहिए. तो रेडिकल्स भी होते थे, ये होता था, वो होता था, तो बहुत वो चलता था. This is one, you know, area which is very close to my heart, and I want to do something for that, to make our country, our environment much safer for women and children.